हाँ जी, कल हमने जो है गेट पढ़ा था कि गेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की, कितनी कैटेगरी में हम गेट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। जब हमें जो है, अगर हमें एंड गेट बनाना है नैंड गेट से, तो कितने कितने गेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें हमने देखे थे, है ना। अगर मुझे नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो कितने गेट लगेंगे, या फिर मुझे नोर गेट से एंड गेट बनाना है तो कितने गेट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल डिस्कस करवाई थी। अब मिनिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइजेशन के ऊपर से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और के मैप में जो है हम मिनिमाइजेशन ही करते हैं। साथ में आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम देखेंगे एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म, ठीक है। के मैप में ये दो फॉर्म का यूज किया जाता है। एसओपी होती है आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो इस तरीके से होती है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। मतलब पहले प्रोडक्ट होगा, बाद में सम होगा, ठीक है। और पीओएस क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए जमा बी, बीच में प्लस होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बी जमा सी, तो ये आपका जो है पीएस फॉर्म हो जाएगी। इसको जो है, ये आपका जो है मिनिमाइजेशन, मतलब स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। बाकी ज़्यादातर जो एग्जाम में आता है वो एसओपी फॉर्म से ही आता है, और इसी के बेस पे हम करते हैं, लेकिन आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। एसओपी फॉर्म में जो है वो वन को कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे जीरो के पेयरिंग की जाती है। समझ में आया भाई, तो चलिए इतना क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखो, तो ये जो है आपका मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन, मतलब अगर मुझे बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है तो दो तरीके से हम मिनिमाइज करते हैं। एक होता है जो भी लॉज हैं आपके बुलियन एल्जेब्रा के, वो लॉ हम अप्लाई करें, और एक होता है के मैप से, कि के मैप की हेल्प से जो है हम बुलियन एल्जेब्रा की एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे जो है हम जो यहाँ पे मैथड यूज करने जा रहे हैं, के मैप का यूज करेंगे, और साथ में जो है मैं आपको मिनिमाइजेशन भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम लॉस के थ्रू भी मिनिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब के मैप जो है उसको हम कर्न ऑफ मैप आल्सो कॉल्ड एज ए के मैप इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिक मैथड होता है सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे क्या होता है, एन वेरिएबल होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स आपकी 2 की पावर n होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल हैं ए और बी, ठीक है, नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 2, यानी कि 4। तो दो ऐसे दो सेल हो गए और ये 4 सेल हो गई, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, इस तरीके से ये आपका जो है, अगर तो ये जो आपका मैप कहलाएगा, दैट इज टू वेरिएबल के मैप। इसमें आपके दो वेरिएबल हैं, आपके 4 शेल यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया, तो के मैप हम पढ़ते हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में 2 की पावर 3 दैट इज 8 सेल बन जाएंगी, और 4 वेरिएबल में 2 की पावर 4 यानी कि 16 सेल बन जाएंगे। ऐसे ही 5 वेरिएबल हो तो 2 की पावर 5 32 जो है वो आपके पास सेल बन जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जो है 4 वेरिएबल तक ही आता है, तो हम उतना ही समझें, ठीक है। अब आगे देखो भाई, सबसे पहले जो है, सबसे छोटा 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के बारे में ही आएगा। तो भाई के मैप में जो है बुलियन एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल होंगे तो 4 शेल हो जाएंगे, और हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर, ठीक है। जस्ट अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि अगर हम एसओपी फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ए बार कंसीडर करेगा, यहाँ पे ए करेगा, ये आपका बी बार हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पे ए बी का बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। तो ये तो 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, क्योंकि जहाँ पे बार है वो 0 है, जहाँ पे बार नहीं है वो 1, तो ये 1 0 हो गया और ये आपका 1 1। समझ में आया भाई, समझ में आया, तो इस तरीके से। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी, कि जैसे मेरे पास है ए जमा में ए बार बी, ठीक है, ये है,
और आपको इसको बताना है कि भाई ये आपको एक्सप्रेशन दे दी, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन दे दी कि ए जमा ए बार बी, ठीक है, और इसको अब आपको सॉल्व करना है कि भाई मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम के मैप के मेथड से कर रहे हैं, के मैप के मेथड से कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, आप देखो भाई इसको हमें पूरा करना पड़ेगा, और पूरा करने के लिए भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बी है लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि ये दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बी जमा में बी के बार से, क्योंकि हमें पता है बी जमा में बी का बार 1 के बराबर होता है और बी डॉट बी बार 0 के बराबर होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसके साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है ना, एक तरीके से ए डॉट 1, ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तभी तो ए आएगा, है ना। तो भाई जमा में ए बार बी, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए बी, ए बी का बार जमा ए बार बी, समझ में आया। तो यहाँ पे मेरे क्या हो गए, सारे वेरिएबल कंप्लीट हो गए। अब देखो ए बी, ए बी मेरा कहाँ पे है, ए बी मेरा यहाँ पे था, यहाँ पे ए बी का बार था, यहाँ पे ए बार बी बार था, और यहाँ पे ए बार बी, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे वन आएगा, भाई ए बी पे वन आएगा, ठीक है, ए बी के बार पे वन आएगा, ठीक है, ए बार बी पे वन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके तीन वन आ गए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, पेयरिंग करूँगी, पेयरिंग हम इस तरीके से, ये दो का पेयर बन गया और ये दो का पेयर, ठीक है। तो इस दो के पेयर को मैंने ग्रुप वन का नाम दे दिया और इस दो के पेयर को मैंने ग्रुप टू का नाम दिया। अब ग्रुप वन की बात करूँ तो ग्रुप वन आपका क्या है, ऊपर बी बार और बी दोनों पे आ रहा है, यहाँ और यहाँ दोनों पे आ रहा है बी बार बी पे। अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है, मतलब बी की वैल्यू तो फिक्स नहीं है ना भाई, एक एक जगह पे जीरो एक जगह पे वन है, लेकिन हम ग्रुप में वैल्यू कौन सी लेते हैं, जहाँ पे वैल्यू फिक्स हो। तो यहाँ पे देखो ये ए की वैल्यू फिक्स है, तो ग्रुप वन से जो मुझे आउटपुट मिलेगी ए मिल जाएगी। अब बी से देखो, अब ये जो सेकेंड पेयर है ग्रुप टू वाला, इसको देखो, अब यहाँ से जो मुझे देखो, यहाँ पे इन दोनों पे देखो ए की वैल्यू यहाँ जीरो है और यहाँ पे वन है, ए की वैल्यू भी क्या कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है, यानी कि ए की वैल्यू भी आपकी फिक्स नहीं है, लेकिन ऊपर देखो बी की वैल्यू फिक्स है, तो ग्रुप टू से मुझे बी मिल जाएगा। और फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगी, ग्रुप वन प्लस में ग्रुप टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जमा बी, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए जमा में, ठीक है, क्या मिलेगा, ए जमा में बी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको के मैप की हेल्प से सॉल्व कर लिया, के मैप की हेल्प से सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको जो है लॉस के हेल्प से करो, क्योंकि दो तरीके होते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये आपका क्या हो जाएगा, ए जमा में एक का बार और ए जमा में भाई एक बार जो है, ये जो ए है वो इस एक बार के साथ आ जाएगा और ये जो ए है वो बी के साथ आ जाएगा, और ये जो आपका वन बन जाएगा और ए जमा बी आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आया भाई, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपसे पूछ लेगा कि भाई इसको, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके आपको क्या आउटपुट मिलने वाली है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है भाई, हाँ जी, यही क्वेश्चन रिपीट करना है क्या जो मैंने अभी आपको समझाया, यही क्वेश्चन रिपीट करना है क्या, समझ नहीं आया क्या, हाँ जी यही क्वेश्चन रिपीट करना है, हाँ जी समझ में आया भाई, जल्दी बोलो भाई। देखो भाई फिर से देखो, देखो दो वेरिएबल का के मैप है, दो वेरिएबल का के मैप है, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया, ए जमा में ए बार बी ये दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो भाई यहाँ पे तो वेरिएबल पूरा है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, अब यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, अब मैं यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू पुट करूँ, मतलब ए की वैल्यू तो वन होगी, ए की वैल्यू तो क्या होगी, वन होगी, बी की वैल्यू जो है वो आपकी जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, यही बोल रहा है ना कि ए की वैल्यू तो आपके फिक्स है लेकिन बी की वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। उस केस में बी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, बी की वैल्यू वन भी हो सकती है,
यानी कि 1011 और यहाँ से तो 01 मुझे मिल ही रहा है, यानी कि 00011011 यही है। ये आपका ए बार बी हो गया, ये आपका ए बी बार हो गया और ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। या तो ये है कि भाई इस तरीके से करो कि ए की वैल्यू तो आपकी फिक्स है, या फिर हम इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बी जमा में बी के बार की कर देंगे, ताकि हम सारे वेरिएबल्स हमें मिल सके बी जमा में बी जमा में बी का बार। मैंने बताया 1 के बराबर होता है और ये इसलिए लिया जाता है कि भाई सारे वेरिएबल यहाँ पे पूरे आ जाए, ताकि हम इस कॉलम में अच्छे से वैल्यू पुट कर सकें। सेम आ गया ना, देखो ए बी का बार और ए बी, यही यही हमें यहाँ से मिलता है, ए बी जमा में ए बी का बार जमा में ए बार बी। ए बार बी तो मेरा था ही, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहाँ पे 1 1 रखा है, मैंने कहाँ पे 1 1 रखा, देखो जहाँ पे दोनों 1 1 है वहाँ पे 1 है, ए बी का बार यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। पेयरिंग कैसे होगी, इन दो का पेयर बन जाएगा, क्योंकि भाई बड़ा, इससे बड़ा तो नहीं बन रहा है, और इन दो का पेयर बन जाएगा, ये आपका ग्रुप 1 आ जाएगा, ये आपका ग्रुप 2 हो जाएगा। अब वैल्यू हमेशा वो ली जाती है जो वैल्यू आपकी फिक्स हो। अब ग्रुप 1 में देखो, ग्रुप 1 इन दोनों के ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, यानी कि बी के बार के नीचे 1 है और बी के नीचे 1 है, लेकिन भाई यहाँ पे बी की वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस रो में ए आ रहा है, ए की वैल्यू फिक्स है 1 है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम ले लेते हैं। सेम ग्रुप 2 में है, अब यहाँ पे 1 जो है वो ए बार और ए के बीच में आ रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है लेकिन बी की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। और आउटपुट की बात करें तो ग्रुप 1 जमा में ग्रुप 2 दैट इज ए जमा में, तो ये आपको यहाँ से मिनिमाइज करने के बाद आपको ए जमा में बी मिल जाए, ठीक है। ठीक है भाई, अभी समझ आया फिक्स मतलब, भाई फिक्स कैसे, देखो भाई ए जमा में ए बार बी था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल जो है ए की वैल्यू ए दे रखा है ना, ए का बार तो नहीं दे रखा है, इसलिए ए की वैल्यू फिक्स रहेगी। यहाँ पे देखो ए जमा में ए बी का बार, अब यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, ए की वैल्यू तो फिक्स है ना, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यही बोल रहा है ना, ए की वैल्यू तो 1 है। अगर यहाँ पे ए बार होता तो ए की वैल्यू फिक्स होती 0, ठीक है। तो वैल्यू फिक्स इसलिए हो गई ना क्योंकि ए लिख रखा है, मैंने बोला ए बार है तो 0 है, ए है तो 1 है, ठीक है। क्या बोला, ए बार है तो 0 है और ए है तो 1 है, इसका यही मतलब होता है ना, ए बार का मतलब 0, ए का मतलब 1, बी बार का मतलब 0, बी का मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू ए बार बी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 0 बने, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई। यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू फिक्स है लेकिन बी की वैल्यू क्या कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है, बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू हमारी फिक्स है। समझ में आया, ए की वैल्यू हमारी फिक्स है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि भाई जिनकी वैल्यू जो है वो आपको पूरा निकालना पड़े, ठीक है, और एग्जाम में आते भी हैं। अब समझ में आया, अब आगे देखो भाई, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, समझ में आएंगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आता है तीन वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8 सेल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है थ्री वेरिएबल का के मैप आ जाएगा, ए बार यानी कि 0 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर देखें तो 0 0 0 1, इस तरीके से पहले 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा, इसको 0 बोलते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3। लेकिन भाई के मैप की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, ग्रे कोड के ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड होती है, ग्रे कोड के ऊपर, और ग्रे कोड में पहले 0 0 0 1, फिर 1 1 आता है, फिर 1 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से के मैप जो है वो आपका ग्रे कोड के ऊपर बेस्ड होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्रे कोड के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 0 3 0 को 0 बोलते हैं, फिर ए बार बी बार यानी कि 0 0 C 1 हो जाएगा, इसको 1 बोलेंगे, फिर ए बार यानी कि 0 BC आपका 1 1 यानी कि 3 हो जाएगा, फिर ए बार यानी कि 0 1 0 तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब ए
100, यहां से क्या हो जाएगा a b बार c, तो a आपका क्या है भाई, तो a आपका 1 है, b बार 0 है, c आपका 1 है, a b c, a b c आपका क्या हो जाएगा 3 बार 1 हो जाएगा, और a b c बार यानी कि 1 1 0, ठीक है भाई। तो इसको 0, इसको 1, इसको 3, इसको 2, इसको 4 5 7 एंड 6, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपको याद रखनी है, समझना है भाई, ठीक है। थ्री वेरिएबल आपके ऐसे ही तो होते हैं, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो 0 1 3 आगे आएगा, 2 पीछे आएगा, 4 5 7 आगे आएगा, 6 पीछे आएगा, ठीक है भाई। क्लियर है इतना, इतना समझ में आया? तो ये आपका 3 वेरिएबल का के मैप हो जाएगा। इसके बाद फोर वेरिएबल में 2 की पावर 4 यानी कि 16 सेल्स हो जाएंगी इस तरीके से। अब 16 सेल में क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये जो यहाँ तक है, ये जो है ये मेरा सेम हो जाएगा जो आपका 8 वेरिएबल का था, ठीक है। उसके बाद 8 हमारा नीचे, 9, फिर 11, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 14, ठीक है। ये आपका 0 0 0 1 1 1 1, आपका 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा ये, इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी का बार, तो ये 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है भाई, ठीक है। तो 4 जीरो हो उसको 0 बोलेंगे, 001 को 1, 0011 को 3, 0010 को 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बार भी, यहाँ से 10 है और यहाँ पे भी क्या है, सॉरी यहाँ पे 01 है और यहाँ पे भी क्या है, 01, ठीक है। ए बार बी बार सी बार डी, ये क्या हो जाएगा 0101, ठीक है। फाइव आ रहा है, सॉरी सी डी बार है ना, ये ऊपर ये वाला लेंगे ना, यहाँ पे यहाँ पे आएगा ए बार बी सी बार सी, तो 101, सॉरी 0101, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार बी सी डी, 0111, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार बी सी डी बार 0110, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी का बार सी का बार डी बार 1000 8 हो गया, ए बी का बार सी का बार डी 1001 हो गया, 9 हो गया, ए बी बार सी डी 1011 11 हो गया, ए बी का बार सी डी का बार डी क्या हो जाएगा 101, ये 10। अब यहाँ पे देखो ए बी यानी कि 11, सी डी 1112 हो गया, फिर 1101 13 हो गया, फिर 4 बार 1 15 हो गया, फिर 1110, तो ये 14 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका फोर वेरिएबल का के मैप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर वेरिएबल का के मैप हो जाएगा, ग्रेट भाई, ठीक है। आगे देखो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, एक बार घर पे जाके इनको लिखना, प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा। अब कुछ रूल्स हैं आपके कि भाई वी कैन आइदर जो है वो आपका 0 और 1, ठीक है, बट वी कैन नॉट ग्रुप 0 और 1 टुगेदर, मतलब या तो 0 0 के ग्रुप बनेंगे भाई, या तो जो है 0 0 के पेयरिंग बना दो, अगर POS फॉर्म है तो भाई या तो 0 0 की पेयरिंग कर दो या फिर 1 1 की कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से 0 1 0 1 इस तरीके से नहीं है कि 0 1 को एक साथ पेयर कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। एक्स रिप्रेजेंट डोंट केयर कंडीशन एक ग्रुप्ड विद 0 as well as 1, ठीक है भाई। ये जो है अगर हमारा जो इस तरीके से क्रॉस दे रखा हो और आपको डोंट केयर कंडीशन दे रखी हो, तो उसको हम ग्रुप कर सकते हैं अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है।
बाकी कोई जरूरी भी नहीं है। ग्रुप टू की अगर बात की जाए तो इस तरीके से भाई हम तीन का पेयर नहीं बनाते, पेयरिंग हमेशा जो है वो दो की पावर में ही होगी, तो दो की पेयरिंग होगी या चार की होगी, या सिंगल का आप पेयर कर सकते हैं, आपको कोई मिल नहीं रहा पेयर करने के लिए तो वन वन की पेयरिंग हो जाएगी, चार की, आठ की, सोलह की, लेकिन जो है ऐसे तीन की पेयरिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे तीन की पेयरिंग दे रखी, ये आपका सरासर फलन, ठीक है। आप इस तरीके से डायगनल जो है आप ग्रुपिंग नहीं करते, कर सकते डायगनल की ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनाएं, सबसे पहले हम सबसे बड़ा ग्रुप बनाएं। अब यहाँ पे देखो ये चार का ग्रुप बन रहा था, ठीक है, ये वाला चार का बन रहा था और ये इधर से और इधर से चार का बन रहा था, लेकिन हमने जो है दो दो के ग्रुप बना दिए, जो कि वो आपका क्या है, उससे आपका जो जो आपकी एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज नहीं होगी, ठीक है भाई। तो हमेशा कोशिश रखने की सबसे पहले हम जो है सबसे बड़े की ग्रुपिंग है, ठीक है। आप इस तरीके से कॉर्नर को जो है, कॉर्नर की आप जो है इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। चार का पेयर और चार का ग्रुप बन जाएगा कि आपका इस तरीके से चार ऊपर, ठीक है। अभी आपके के मैप के क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आपका फोर वेरिएबल का के मैप है और इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 30, 50, ठीक है। और पूछ रहा है कि भाई इसका जो है आपको के मैप बनाना है, किस तरीके से बनाओगे भाई, किस तरीके से आएगा भाई बताओ। फोर वेरिएबल का के मैप है इस तरीके से, 16 सेल हो जाएंगी ए बी एंड सी डी, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6, 8 है, 9 है, 11 है, 10, ठीक है, 12 है, 13 है, 15 है, 14। अब जो है कहाँ कहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, अब देखो 0 पे 1 आना चाहिए, 1 पे 1 आना चाहिए, 2 पे 2 पे 1 आना चाहिए, 3 पे नहीं आएगा, 3 वाला इरेज कर दो, ठीक है। और कहाँ पे 1 आएगा भाई, 5 पे 1 आना चाहिए, ठीक है, 7 पे 1 आना चाहिए, ठीक है, 8 पे, 9 पे, 10 पे, ठीक है, 13 पे और 15 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो चार कॉर्नर है, चार कॉर्नर हैं तो कॉर्नर का अपना एक अलग ग्रुप बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका ग्रुप 1 हो गया। ये चार का पेयर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्रुप 2, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे एक और चार ग्रुप बना सकते हो, द ग्रुप 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 1 में यहाँ पे क्या है, ए बार बी बार, और यहाँ पे क्या है, ए बी का बार। अब देखो ए की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, यहाँ पे ए बार है यानी कि यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू क्या कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है, ए को तो नहीं लेंगे, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 थी और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ से मुझे बी मार मिल गया। ऊपर से देखो, ऊपर से भाई अगेन जो है यहाँ पे मेरा सी बार डी बार है और नीचे जो है वो मेरा आपका क्या है भाई, सी डी का बार, तो यहाँ पे भी आपका क्या फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया, ग्रुप 1 को मैंने सॉल्व किया तो बी बार डी बार मिल गया। अब ग्रुप 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ग्रुप 2 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, 1 कहाँ पे फिक्स है, बी आ गया। ऊपर देखो 0 1 1 1, यहाँ पे भी आपकी किसकी वैल्यू फिक्स है, ये आपका क्या बन गया, बी डी, ठीक है भाई, ठीक है। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मिला के आपका ये आ गया। अब ग्रुप 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है, ये चारों कॉर्नर। अब इन चारों कॉर्नर में यहाँ से मुझे बी मार मिल जाएगा और ऊपर से भी मुझे क्या मिल जाएगा, डी मार, सॉरी ये वाला तो आ चुका ना, ये वाला रह रहा है, ये वाला। अब यहाँ पे तो सारी वैल्यू फ्लैक्चुएट करी, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सी बार डी आ जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सी बार डी, ठीक है। इस तरीके से आपका बी डी, बी बार डी बार और सी बार डी, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगी, चारों का एक कॉर्नर, बीच वाले का एक पूरा चार का, और ये यहाँ पे ये आपका पूरा
चार का, तो टोटल आपके ये ग्रुप तीन, तीन ग्रुप बनेंगे और इस तरीके से आएंगे। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी भाई रेनू, जो आपका सिंगल बैच मिलेगा आपको टीजीटी पीजीटी का, आपको एक सिंगल बैच मिलेगा उसके अंदर है भाई, एक सिंगल बैच है उसमें मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्लियर है भाई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके से, किस तरीके से हमने पेयरिंग की है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सबसे बड़ा, सबसे बड़ी ग्रुपिंग करें, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सबसे बड़ी ग्रुपिंग करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इससे और अच्छे से क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन देखोगे, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगेन फोर वेरिएबल है ए बी और सी डी, ए बी यहाँ पे आ गया, सी डी आपका यहाँ पे आ गया, टोटल 16 सेल हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 15 और यहाँ पे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे 1 दे रखा है, कहाँ कहाँ पे 1 दे रखा है भाई, 1 दे रखा है आपका 0 पे, 1 पे, 3 पे, ठीक है, 5 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, ठीक है, 11 पे, 13 पे और 15, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका दे रखा है, इस तरीके से यहाँ पे ये आपका दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुपिंग बताओ कैसे होगी भाई, ग्रुपिंग बताओ कैसे होगी, यहाँ पे ग्रुपिंग बताओ भाई कैसे होगी, कैसे होगी भाई ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कैसे होगी भाई, कलर चेंज कर दो, ये 8 का ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप 1, इधर से 2 और इधर से 2, 2 2 का क्या बन जाएगा, ग्रुप 2 बन जाएगा, यानी कि 2, जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, जैसे कॉपी फोल्ड करते हैं तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यानी कि ये 4 का ग्रुप, जैसे हम कॉर्नर को मिलाते हैं वैसे ही ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 का ग्रुप है। तो भाई देखो अब यहाँ पे ये वन ये वन ये वन ये वन, यानी कि ए और बी की वैल्यू तो क्या कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है, कहीं पर ए की वैल्यू 0 है, कहीं पर बी की वैल्यू 0 है, कहीं पर ए की वैल्यू 1 है, कहीं पर बी की वैल्यू 1 है, यानी कि पूरा का पूरा फ्लैक्चुएट करा है। ऊपर से देखो, ऊपर से क्या लोगे, 0 1 और 1 1, भाई ये दो लाइन है ना, तो 0 1 और 1 1 के साथ आ रही है, 0 1 और 1 1। अब ये वैल्यू तो फ्लैक्चुएट कर रही है, मैंने कहा जो वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगी उसको नहीं लेंगे, यहाँ से ये 1 1, तो ये ऊपर क्या था आपका सी और डी, तो डी की वैल्यू फिक्स है यानी कि डी है, तो यहाँ ग्रुप 1 से जो मुझे आउटपुट मिलेगी दैट इज डी। इन दो ग्रुपिंग से देखो मुझे क्या मिलेगा, 0 1 और 1 0, यानी कि 0 वाली फिक्स है यानी कि बी का बार, यहाँ पे देखो 0 0 1 0 सॉरी 0 0 0 1, यहाँ पे किसकी वैल्यू फिक्स है, डी, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, डी जमा में बी बार सी बार, आउटपुट क्या मिल जाएगी, डी जमा में बी बार सी बार, ठीक है। तो ये आउटपुट मिल जाएगी यहाँ से, समझ में आया भाई, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। 8 की पेयरिंग होगी भाई, 4 4 की नहीं होगी रेनू, डायरेक्ट 8 की पेयरिंग होगी, डायरेक्ट 8 की पेयरिंग हो जाएगी, 4 4 की नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से आएगा भाई। बाकी जो है एक दो क्वेश्चंस लिख लीजिए, एक दो क्वेश्चन लिख लो भाई, प्रैक्टिस करके लाना, कॉपी में उतार लो, प्रैक्टिस करके लाना। हाँ जी,
ये वाला क्वेश्चन कॉपी में लिखो भाई, ये डोंट केयर कंडीशन है, इसमें डोंट केयर कंडीशन है, डोंट केयर कंडीशन का हम क्रॉस लगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो 1345 1 1 3 4 6 8 6 8 9 11 13 15 सिग्मा डी 0 2 40, ठीक है ये क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, कॉपी में नोट डाउन करो भाई इस क्वेश्चन को, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका थ्री वेरिएबल का है, ये आपका थ्री वेरिएबल का है जो है एम एम स्मॉल एम ओ, तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, एस ओ पी की। और यहाँ पे स्मॉल एम ना हो के अगर आपको कैपिटल एम मिल जाए तो समझ लेना हम बात कर रहे हैं पी ओ एस की। किसकी बात कर रहे हैं, पी एस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, 0167 सिग्मा डी 35, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, एक और क्वेश्चन लिखो भाई, अगेन थ्री वेरिएबल का है, 1257046, ये आपका जो है नॉर्मल है, और डी सिग्मा डी का मतलब है डोंट केयर, ये आपकी जो है डोंट केयर कंडीशन, कैसी कंडीशन है, डोंट केयर, ठीक है। तो भाई ये जो है ये आपको ये क्वेश्चन आपको करके लाने, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करके लाने, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करके लाने हैं भाई, ये क्वेश्चन करके लाना, प्रैक्टिस करना, समझ में ना आए तो कल वाली क्लास में पूछ लें, ठीक है। ये क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है, हम करते हैं। और उसके साथ ही हम जो है ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को ग्रे में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये कोड वाला हम पूरा पार्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्लास में यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं, बाय बाय।